चित्र 16। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए अते बहुत सारे लोग उन्हां पिछे चल पे, पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां नूं कहा, तुसी सारे पापी हो। जेड़े लोग पापी सी ओह उन्हां तो घृणा करन लग पे अते उन्हां लोकां दे सरदार यीशु मसीह नाल ईरखा रखदे सी। उन्हां ने यह कदे भी स्वीकार नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। उन्हां ने प्रभु यीशु मसीह नूं पकड़िया अते उन्हां दे विरुद्ध झूठ बोलिया अते मारिया। उन्हां ने प्रभु यीशु मसीह दे सिर उपर कंडा दा ताज रखिया अते थट्ठे उड़ाए, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसका कदे विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता सी कि उन्हां दे दुख उठाउण दे पिछे परमेश्वर की योजना है। चित्र 17। प्रभु यीशु क्रूस ते चढ़ाए गए। उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह नूं क्रूस ते चढ़ाया गया अते उस नूं उदों तक क्रूस ते चढ़ाए रखिया जदों तक कि वह मर नहीं गया। उस दे नाल ही दो होर दोषियों नूं भी उसे तरह की मौत दिती गई। इस तरह की मौत उस समय उत्थों की परंपरा सी। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया सी, पर वह पाप का मुल चुकाने लई बलिदान होया। असी सारे ने पाप किया है ते सानू सारे नूं पाप दे लई मरन दी लोड़ है। जो सजा सानू मिलनी चाहीदी सी वह प्रभु यीशु मसीह नूं मिली। जेकर असी मन लईए कि असी पापी हाँ ते सानू पाप तो मूँह मोड़ लेना चाहीदा है, तां परमेश्वर सानू माफ़ करदा है अते प्रभु यीशु मसीह नूं अपना उद्धारकर्ता मनो तां तुसी उद्धार पाओगे। चित्र 18। पुनर उत्थान। प्रभु यीशु मसीह दे वैरिया ने सोचा कि उन्हां ने उस नूं नाश कर दिता है, परंतु यह संभव नहीं सी। प्रभु यीशु दे क्रूस उत्ते मरण तो बाद प्रभु दे मित्रां ने उस नूं एक गुफा दे विच रख दिता अते गुफा दे दरवाजे ते एक वड्डा पत्थर रख दिता। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, पर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठिया। तीसरे दिन जदो इस्त्रियां कब्र ते आईयां तां उन्हां ने कब्र नूं खुला देखिया ते प्रभु यीशु मसीह उत्थे नहीं सी। दो स्वर्गदूत उत्थे उन्हां नूं संदेश देण लई बैठे सी कि ओह उत्थे नहीं है, परंतु मुर्दिया विचों जी उठिया है। साडा प्रभु यीशु मसीह अज भी जिउंदा है अते हमेशा ही रहेगा। ओह शैतान अते मौत तो वड्डा है। चित्र 19। थोमा विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह दे जी उठन तो बाद उस नूं उसदे चेलियां ने वेख्या अते उस नाल गलबात कीती ते भोजन भी कीता। थोमा उसदे चेलियां विचों ही उसदा चेला सी अते ओह विश्वास नहीं करता सी कि प्रभु यीशु मसीह फिर जी उठिया है। तद प्रभु यीशु मसीह थोमा नूं बंद कमरे विच दिखाई दिता। थोमा ने प्रभु यीशु मसीह नूं कहा, जदों तक मैं तेरे जख्मां नूं छूह नहीं लैंदा तद तक मैं विश्वास नहीं करांगा। तद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तन इहो जिन्हां ने मैनूं नहीं देखिया ते फिर भी मेरा विश्वास करदे हन। चित्र 20। स्वर्ग उत्ते उठाए जाना। प्रभु यीशु जी उठण तो बाद 40 दिन कई होर लोकां नूं दिखाई दित्ते अते उहनां ने गवाही दित्ती कि प्रभु यीशु जिउंदा है। उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह अपने पिता कोल जाण लई तैयार सी, क्योंकि जिस करके ओह धरती ते आया सी ओह पूरा हो चुक्या सी। पर प्रभु यीशु मसीह ने जांदे होए अपने चेलियां नूं कहा, जाओ ते जगत विच हर इक नूं सुसमाचार सुनाओ। तां दो स्वर्गदूतां ने उहनां नूं कहा, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग विच गए हन उसे तरह फिर धरती ते आउणगे। चित्र 21। खाली क्रूस। प्रभु यीशु मसीह क्रूस ते क्यों मरिया? सानू पाप तो बचाउण लई क्रूस ते मरिया। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप सी, पर प्रभु यीशु ओना पापां लई मारिया गया जो सानू परमेश्वर तो अलग कर दिया हन।
क्रूस सानू एह याद दिलाउंदा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर दा निष्पाप मेमना सी जो साडे लई बलिदान होया। जदो असी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करदे हां अते अपने पापा नू त्याग दिंदे हां तां साडे सारे पाप माफ कीते जांदे हन। असी परमेश्वर दे परिवार दा हिस्सा बन जांदे हां। चित्र 22 दो मार्ग। प्रभु यीशु ने सिखाया है कि जीवन दे दो मार्ग हन अते दो अंतिम नतीजे। जेहड़े व्यक्ति ने प्रभु यीशु नू अपना उद्धारकर्ता दे रूप विच नहीं मन्या ओहो पाप दे उस रस्ते ते है जो नरक ते मौत दी सजा वल जांदा है, पर माफी शांति अते जीवन दे तंग रस्ते हन जो परमेश्वर अते स्वर्ग नू जांदे हन। इस दे लई तुहानू प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास रखना चाहिदा है। पाप अते खुद दी इच्छा तो दूर रहना चाहिदा है। प्रभु यीशु ने कहा है मैं ही दरवाजा हां अते जो कोई मेरे विचो दी हो के लंघेगा उस नू उद्धार मिलेगा। ओना दे मार्ग ते चलन वाले दा स्वर्ग विच न्याय नहीं होवेगा क्योंकि ओना दे पाप प्रभु यीशु दे क्रूस ते बहाए गए लहू दे द्वारा धोए गए हन। जेकर तुसी प्रभु दे विच आना चाहुंदे हो तां तुसी इस तरह प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मैं मंदा हां कि मैं पापी हां अते मंदा हां कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापां लई क्रूस ते मारिया गया। मैनू माफ कर ते मेरे जीवन नू पापां तो शुद्ध कर। तुसी मैनू अपने परिवार दा हिस्सा बनाओ। मैं प्रभु यीशु दे मार्ग दे पिछे आना चाहुंदा हां।